भगवान बद्री नारायण की जय। तो सुप्रभात दोस्तों, जय माता रानी की, जय बद्री विशाल, जय पंचनाम देवताओं की, जय इष्ट देवता, जय पितृ देवताओं की, जय भगवान कार्तिक स्वामी की। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम मंदिर में आ चुके हैं। तो हमने ना कल शाम को दर्शन कर लिए थे, लेकिन अभी हमने कहा सुबह सुबह प्रभात में भी दर्शन कर लेते हैं। तो हम 4 बजे उठ गए थे, 4 बजे हम यहाँ आके स्नान करके और अभी हम रेडी हो चुके हैं मंदिर में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए। तो अभी सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, देखिए। और श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आगे देखिए भीड़। बोलिए भगवान बद्री नारायण की जय। जय देखो सासू जी कैसे लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो यार भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, हम भी आ रही। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हमने ना दर्शन कर लिए हैं, अब भगवान का जो अभिषेक हो रहा था उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी हम लोग ना मंदिर के अंदर भी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने पे थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा जप तप कर रहे थे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जप तप व्रत कर रहे हैं। हमने कहा हम करते हैं माला, तो हमने जपी नहीं, पर हमने ऐसे ही मंत्र मुंत्र थोड़ा सामने भी कहा। तो अभी यहाँ पे ना मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं, ये देखिए। बहुत बड़ा मिल गई यार, बद्री विशाल की अच्छी, हमें अच्छा वाला वो मिल गया, हमें वो भी मिल गई। तब मना थे दिल में, हमें था कि हमें कार्तिक स्वामी जाएंगे, पर वहाँ भी आएंगे हम जरूर, कार्तिक स्वामी जरूर आना, तुम्हारी दुकान में आना था हमें, पर अभी तो हम यहाँ मिल गए। बहुत बढ़िया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, उसका प्रोत्साहन को बढ़ाना। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वो पिक्चर बना रही, गढ़वाली गाने गा रही है, हम सब देखते हैं उसका। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय बद्री, जय हो, जय हो, ठीक ठाक। हाँ जी, चलो बढ़िया, चलिए दर्शन कीजिए आप। जय किशन भगवान बद्री विश्व, जय माँ लक्ष्मी की आरती है। ये माँ लक्ष्मी की आरती है ना, विशाल की आरती अभी होगी। अच्छा, माँ लक्ष्मी की आरती। तो अभी ना यहाँ पे जो दीदी लोग मुझे मिले थे, इनके और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ये बोल रहे थे कि आप ज्यादा देखते हो मेरी वीडियो बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और आज भगवान बद्री नारायण के दरबार में हम लोग मिल गए, इससे शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है नी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, चलो आप सब पे भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बद्री नारायण की आरती। अच्छा, कपूर आरती, ये क्या आरती चांदी। तो अभी ना हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और टाइम 8 बज चुके हैं, तो करीबन 5:30 बजे से हम यहीं पे बैठे हुए हैं। और ना इतनी ठंड लग रही है, और यहाँ पे ना बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर समिति की ओर से, यहाँ पे मुझे प्रसाद मिला है। मंदिर साफ है, तो इतना प्रसाद मिल गया है यहाँ पे, जो मंदिर समिति के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं, मतलब उनके द्वारा भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सम्मान दिया गया है। ये देखिए पूरा श्रृंगार, बिंदिया, चूड़िया, साड़ी वगैरह, और माँ लक्ष्मी के मंदिर से भी मुझे ये प्रसाद मिला है, श्रृंगार मिला है, और बाकी तुलसी की मालाएँ। और एक दीदी है, दीदी ने मुझे केसर भोग दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री पवार दीदी, अक्सर कमेंट करती रहती हैं, तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रृंगार से पूरी लतालत हो गई, तो थोड़ा बहुत सारी मालाएं मिली, तो मैंने सब में बांट दिया। मैंने कहा अकेले इतने सारा प्रसाद लेके कहाँ ही जाऊँगी, तो देखो बिल्कुल हे वाओ। तो सबने मालाएं गले में रख दी है, तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे थोड़ा बहुत दर्शन करने के लिए। तो चलिए बने रहिए साथ में। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। तो आशीर्वाद बनाए रखो।
आशीर्वाद चाहिए आपका बस। ये बड़ी आशीर्वाद जय हो महाराज जी जय हो। और ये देखिए आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी मंगल यात्रा मंगलमय हो, भगवान परिवार सदा सुखी आरोग्य एवं दीर्घायु रखे। हम इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की दीपा नेगी जी कामना करते हैं। हे नारायण आपको सदा सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरीश पंत सभासद नगर पंचायत थराली वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वर्तमान समय धाम में विराजमान हूँ और आप सभी की मंगल कामनाएं इस बद्री विशाल से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बद्री विशाल भगवान की। नारायण पर्वत है सामने नर पर्वत ये नर पर्वत और कुबेर मुकुट है। पंचधारा पंच नारायण हो गए कृष्ण नर हो गए भूदेवी श्रीदेवी लीला पूजा की जाए। हमारी दीपा नेगी जी प्रख्यात यूट्यूबर है और भगवान बद्री विशाल घंटा कर हमारे गुजर मोड़ा या क्षेत्र पर घंटा ग्राम से और उन्नति प्रगति उत्तरोत्तर वृद्धि करे और हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा करे। और आपकी परिक्रमा हो रही यहाँ पे भगवान बद्री नारायण के पुजारी जो रावल होते हैं उनके भी हमें दर्शन हो गए हैं तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं हम खुद को। नहीं सर यहाँ के रख सके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखे। तो यहाँ देखिए ये भी है और दुनिया भर के हैं बहुत है और फोटोग्राफर भी हैं यहाँ भगवान अच्छी लगी बहुत बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो आप सच में अच्छे हो बहुत अच्छे। ये है नर और ये नारायण ना नारायणी है अच्छा नारायणी है ये भगवान नारायण और इधर नर मौसम भी काफी खूबसूरत है आज का। हाँ जी बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया यहाँ देखो ये क्या है आपके पास ये क्या है आपके पास कहाँ से मिल रही है आपको पंडित जी ने दिया। अच्छा हमारे घर वाले पंडित जी है ना ब्राह्मणी बोलते हैं ब्राह्मणी है ब्राह्मणी वो मेरी जजबानी है तो ठीक है गुरु तो निवान हो ना गुरु बिल्कुल नहीं होकर भी देते तो मैं इसे भी ले जाती खान से मतलब राखा चले भी दी यहाँ देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है। तो अभी ना मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और यहाँ देखिए सामने से भगवान बद्री नारायण का मंदिर और नीचे से श्रद्धालुओं की भीड़ और पुल और वहाँ पे माँ गंगा मैया और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि थोड़ा धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अभी यहाँ पे। उतनी ठंड तो नहीं है जितना हमने सोचा था घर से कि बहुत ठंड लगेगी उतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ये
नीचे देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर जो भी हैं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। और ना बता आप लोगों को, मतलब मेरे पास इतना प्रसाद हो गया कि आई बताऊँ, यहाँ देखिए ये पोटली भर 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 के ना भगवान का सूसे, तो इतना मतलब दो साड़ियाँ वगैरह वगैरह जो भी है बहुत सारा प्रसाद मिला है यहाँ से। प्रणाम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत इतने, मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ इतने सारे मेरे फैन, मुझे मेरे सब्सक्राइबर यहाँ इतने ज़्यादा हैं कि पता ही नहीं था, बहुत सारे बहुत सारे। तो आज हम जाएंगे वसुधरा, तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा है। और यहाँ पे ना हम सामने से यहाँ पे हैं, यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा मान सम्मान दिया है और उन्होंने हमें चाय पिलाई। कल से तो हमने लगता है खाली रात को ही अपने खाने में पैसों में खाना खाया हो, बाकी तो हमने कुछ ही अपने पैसे खर्च ही नहीं करे जो कि मंदिर में थोड़ा पूजा वगैरह में दिए होंगे, बाकी तो खाने में हमने खाली रात को ही खाया ना अपने पैसों से। अभी तक हमने अपने पैसों से ना सिर्फ रात का खाना खाया, बाकी पूरी पेमेंट लोग ही दे रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और भगवान बद्रीनारायण से प्रार्थना करूँगी कि सबके घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। और बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि सासू जी को भी यहाँ लेके आई, आज मंदिर देख ले मैंने बद्रीनाथ को पापे थोड़ा ऐसा ही। सासू जी अपना आशीर्वाद देना मेरे को, सब सदा सुगन रही अमर रहे तेरे स्वाद। सासू जी मैं सासू जी तो मेरी इच्छा थी कि मतलब ना सासू लोगों को मन बद्रीनाथ घुमा लूँ, क्योंकि बहुत सारे मेले खेले बहुत चले गए, तो ये चार धामों में से एक धाम है जो कि मेरा फर्ज बनता था इनको यहाँ घुमाने का, मैं लेके आई। तो बाकी सासू लोग भी देखो यहाँ, देखो यहाँ तो ना त्रिमूर्ति बन रखी कल से बिल्कुल, मतलब रोए जा रहे। मैंने कहा भाई इतना भी मत रो, मैं घर क्या ले जाऊंगी जब तुम इतना रोओगे, तो कल से रोए जा रहे बिल्कुल से। ये मजे है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए साथ में, जब वसुधरा के लिए जाएंगे वो ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा धूप वगैरह सेक लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद वसुधरा जाएंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, बोले माँ गंगा मैया की जय। तो देखिए अभी यहाँ पे आजकल आप लोगों ने देखा होगा सागर गांव से माँ चंडिका देवरा यात्रा जा रही है। तो ये भी बहुत भाग्यशाली की बात है कि हम बद्रीनाथ में आए और माँ चंडिका भी बद्रीनाथ में है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी माँ चंडिका गंगा मैया में स्नान करने जाएंगी, तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे आने का और ये सब देखने का, माता रानी का दर्शन करने का। बोले माँ चंडिका मैया की जय। माता जय चंडिका, जय हो भवानी, वाला गलो माता बे जय रे। सागर को मामा तेरो जो थाने बसो चा, आज ना मैंने जैसे बताया था आपको मैं बद्रीनाथ धाम में आ रही हूँ और यहाँ पे मुझे माँ चंडिका के भी दर्शन हो गए हैं। तो देखिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मेरे को आज एक साथ भगवान बद्री के दर्शन हो गए और आप सबके और माँ चंडिका के दर्शन हो गए। तो मैंने कहा माँ चंडिका का आशीर्वाद देगा तो आएंगे सागर गाँव में जब माँ चंडिका बुलाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा। बोले माँ चंडिका भवानी की जय। ओम पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः। यहाँ पे माँ चंडिका के जो
वो भी मुझे मिले हैं और इनका भी चैनल है, तो थोड़ा बता दीजिए लोग माँ चंडिका के दर्शन कर लेंगे आपके चैनल के। सभी भक्तों को पहले मेरे नमस्कार, जय माँ चंडिका। और हमने एक चंडिका पे एक सुंदर सा गाना बनाया है और रुद्रा ब्लॉग है मेरा चैनल का नाम, जिसमें डेली माँ चंडिका की वीडियो आती है। अगर आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं 9 महीनों तक, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दीपा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में ब्लॉग में निकालने के। अरे ऐसा मत बोलो, जय माता रानी, जय जय माता दी। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंडिंग देते हैं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी।